आज हम महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस पुरनपोली बनाएंगे। पुरनपोली को बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसके साथ में जो करी सर्व की जाती है, इसे आमटी कहा जाता है, वो भी हम साथ में बनाएंगे। ये आमटी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। पुरनपोली और आमटी, एक कप चना दाल ली है, इसे बाउल में डाल देंगे। पानी डाल के इसे 3 से 4 बार अच्छे से धोएंगे। दाल को अच्छे से धो लिया है, इसे कुकर में डाल देंगे। 1 कप हमने दाल ली है तो 4 कप पानी डालेंगे। साथ में हम कटाची आमटी बना रहे हैं, इसके लिए दाल में पानी ज्यादा डालना है। कुकर को गैस पे रख दिया है, तेज आंच पे दाल में एक उबाल आ जाए तब तक इसे कुक करेंगे। दाल में एक उबाल आ गया है और आप देख सकते हैं कि ऊपर बहुत सारी स्कम आ गई है, तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसे निकाल देना है। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून तेल, अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके तेज आंच पे 1 सीटी तक और लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 सीटी तक इसे कुक करेंगे। क्योंकि दाल हमने कच्ची ली है तो इसे हमें ज्यादा सीटी तक कुक करना है। पूरन पोली के लिए डो बना के रेडी करेंगे। 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे छन्नी में डाल देंगे और इसे छान लेंगे। 1/2 कप मैदा लिया है, इसे भी छन्नी में डाल के छान लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून तेल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाएंगे। एकदम सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है। 5 से 6 मिनट के लिए डो को अच्छे से मस लेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाएगा। 1 टीस्पून तेल डालेंगे और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मसल लेंगे। एकदम स्मूथ डो बना के रेडी कर दिया है और डो हमें एकदम सॉफ्ट रखना है। ढक्कन लगा के 1/2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, दाल एकदम अच्छे से पक गई है। दाल को हम छन्नी में डाल के छान लेंगे। ये दाल का पानी निकला, ये कट है। कटाची आमटी इसे हम बनाएंगे। पुरन पोले का पुरन बनाएंगे। दाल हमने बॉईल की है, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें से हम 2 टीस्पून जितने दाल निकाल लेंगे आमटी में डालने के लिए, ताकि आमटी थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी। इस तरह से इसे मैश करके दाल का पानी जो हमने निकाला है इसके साथ में डाल देंगे। ये पानी हमने निकाला है, इसमें ही हम ये डाल के मिक्स कर देंगे। 1 कप हमने चना दाल ली है तो 1 कप गुड़ डालेंगे। एकदम बारीक काट के गुड़ डालना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक इसे लगातार चला के कुक करेंगे। और स्पैचुला से दाल को इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे ताकि दाल भी साथ में मैश होती जाएगी। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के कुक करेंगे। दाल का मिश्रण अभी गाढ़ा होने लगा है, एकदम गाढ़ा हो जाएगा तब तक हम इसे कुक करेंगे। और इसे लगातार चला के ही कुक करना है। इतना कुक करने में 5 से 6 मिनट लग जाती है। ये गाढ़ा हो गया है तो इसे अभी हम धीमी आंच पे कुक करेंगे। 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है और पैन छोड़ने लगा है। इस तरह से ये पैन छोड़ने लगे तब तक हमें इसे कुक करना है। 1 चम्मच इस तरह से डाल के देख लेना, अगर चम्मच गिर जाएगी तो समझना कि ये बराबर कुक नहीं हुआ है। इस तरह से चम्मच खड़ी रहेगी तो मिश्रण एकदम अच्छे से परफेक्ट बन गया है। डो बनाते हैं उसी तरह का इसका टेक्सचर आ गया है, आप देख सकते हैं। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून जितना जायफल पाउडर घिस के डालेंगे, 2 पिंच जितना डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। दाल को हमने छान के लिया था, उसी छन्नी में हम ये पुरन पोले का मिश्रण डाल के इसे छानेंगे। और ये गर्म है तभी हमें इसे छानना है। इस तरह से स्पैचुला से इसे छान लेंगे, इस तरह से छन्नी में से स्पैचुला से निकाल लेंगे। दाल के मिश्रण को अच्छे से छान लिया है, ये छन्नी में जो रह जाएगा इसे हम निकाल देंगे। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, हाथ से इसका गोला जैसा बना लेंगे और इस तरह से इसे बाउल में रख देंगे।
ऊपर ढक्कन लगा देना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। आमटी बनाएंगे तो इसके लिए पहले हम मसाला भुनेंगे। मैंने लोखंड की कढ़ाई ली है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉनस्टिक कढ़ाई में भी ये मसाला भून सकते हैं। एक तिहाई कप सूखा नारियल की स्लाइस ली है, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। नारियल को लगातार चला के भुनेंगे, नारियल थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें इसे भुनना है। लोखंड की कढ़ाई में ये सब हम भुनेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। नारियल अच्छे से भुन गया है, लाइट ब्राउन हो गया है, तो इसे निकाल लेंगे। दो मीडियम साइज का प्याज, 9 से 10 लहसुन की कली और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके लिया है, ये सब कढ़ाई में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के इसे बिना तेल के ही भुनेंगे। प्याज ब्राउन हो जाए तब तक इसे भुनना है। अगर आप इसे नॉनस्टिक पैन में भून रहे हैं तो थोड़ा सा तेल डाल के भून सकते हैं। साथ में एक कम तीखी वाली हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसी के साथ भुनेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है तो गैस ऑफ कर देंगे और नारियल हमने भून के निकाला था इसी के साथ में हम डाल देंगे इसे, और रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे। ये ठंडा हो गया है तो इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। एक मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, एक स्ट्रिप करी पत्ता। इसे पहले ऐसे ही ग्राइंड करेंगे, फिर जरूरत के हिसाब से पानी डाल के एकदम स्मूथ ग्राइंड करेंगे। 1/4 कप पानी डाल के इसे ग्राइंड किया है और एकदम स्मूथ पेस्ट बना के रेडी की है। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर को धीमी आंच पे भुनेंगे, मिर्ची पाउडर जलना नहीं चाहिए। साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर अच्छे से भून गया है, पेस्ट हमने बनाई है ये डाल देंगे। अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। 1 टीस्पून गोड़ा मसाला डालेंगे, महाराष्ट्रीयन काला मसाला। इसके बदले में आप कांदा लहसुन मसाला भी डाल सकते हैं, और ये भी नहीं है आपके पास तो सिर्फ गरम मसाला डालोगे तो भी चलेगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के पेस्ट को अच्छे से भुनेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए ऐसे अच्छे से भून लिया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। दाल का पानी हमने निकाला था ये डाल देंगे। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। 1/2 कप पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया है, ये डाल देंगे और 1/2 कप पानी डाल देंगे। आमटी थोड़ी पतली ही होती है तो आप जरूरत के हिसाब से पानी डाल के मिक्स करें, इतना पतला रखना है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे, तेज आंच पे एक उबाल आ जाए तब तक इसे कुक करेंगे। आमटी में एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे उबालेंगे। 10 मिनट धीमी आंच पे आमटी को उबाल लिया है और तेल भी ऊपर सेपरेट हो गया है। 1/2 नींबू का रस डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। कटाची आमटी रेडी है। अभी हम पूरन पोली बनाएंगे। 1/2 टीस्पून तेल डाल के आटे को थोड़ा मसल लेंगे। अब देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट होगा तो पूरन पोली अच्छे से बनेगी। मीडियम साइज की लोई बनाएंगे, उंगली और अंगूठा से इस तरह से वाटी का शेप देंगे। पूरन हमने बनाया है, इसमें से हम एक बॉल बनाएंगे। जितनी साइज का आटे का लुआ बनाया है इससे थोड़ी सी छोटी साइज का बॉल बनाएंगे इस तरह से, और इसे बीच में रखेंगे। उंगली और अंगूठा से इस तरह से आटे को ऊपर करते जाएंगे, ऊपर से थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे। इस तरह से राउंड घुमा के लोई बनाएंगे। सूखा मैदा लिया है, इसमें लोई को लपेटेंगे। इस तरह से हाथ से दबा के इसे थोड़ा सा फैलाएंगे। बेलन से एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे, एकदम हल्का हाथ से बेलना है। पूरन पोली बेल ली है और जितनी पतली पूरन पोली बेल सकते हैं उतनी पतली बेलना है। मैंने मीडियम पतली रखी है। नॉनस्टिक तवा गरम करने के लिए रख दिया है और ये मीडियम गरम हो गया है। पूरन पोली को धीरे से उठा के
इस तरह से उठाएंगे और तवे में डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। अब देख सकते हैं कि ऊपर बबल्स बन रहा है। इस तरह से बबल्स बनना चालू हुए तभी हमें इसे पलट लेना है। मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से ये पॉप हो रही है। ऊपर थोड़ा देसी घी लगाएंगे, पलट लेंगे। दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे। ये हो गए है तो इसे निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा देर तक कुक नहीं करना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। इस तरह से बाकी की पूरन पोली भी बनाएंगे। थाली में पूरन पोली सर्व की है, साथ में देसी घी सर्व करेंगे, कटाची आमटी और साथ में आमरस सर्व करेंगे। पूरन पोली और आमटी बन के रेडी हो गई है। पूरन पोली बहुत ही सॉफ्ट बनी है और आमटी बहुत ही टेस्टी बनी है। साथ में मैंने आमरस सर्व किया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।